आईपीएल 2024 में दो कैप्टन के बीच क्या सच में ट्रेड हुआ है? क्या सच में ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड था? ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। कुछ दिनों पहले बीच में एक अफवाह उड़ी थी, जीटी और एमआई के बीच में एक मेगा ट्रेड हो रहा है जिसमें दो कैप्टन के बीच ट्रेड होने वाला है। मतलब हार्दिक आने वाले हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा जा रहे हैं गुजरात टाइटंस। क्या ये खबर पूरी तरह सच थी? इसका जवाब ये है कि इस पूरी कहानी में सिर्फ आधी बातें सच थी कि डील तो हो रही है, क्योंकि खबरें बाद में ये बाहर आई है कि ऑल कैश डील होने वाली है जिसके हिसाब से एमआई की फ्रेंचाइजी जीटी को 15 करोड़ रुपीस देगी प्लस साथ में ट्रांसफर अमाउंट भी देगी। सबको लगा ये बात अब पक्की हो चुकी है। फिर आता है 26 नवंबर, जिस दिन सभी आईपीएल टीम को अपने ट्रेड रिटेंशन और रिलीज लिस्ट अनाउंस करनी थी, पर जो हुआ वो उल्टा ही हो गया क्योंकि जीटी ने तो पांड्या को रिटेन कर लिया। सब कुछ ऑफिशियली ब्रॉडकास्टर ने अनाउंस कर दिया था, पर अगले दिन आता है कहानी में ट्विस्ट जब आईपीएल ऑफिशियल ट्वीट करके ये अनाउंस कर देते हैं कि हार्दिक चले गए हैं मुंबई इंडियंस में और ये ऑल कैश डील हुई है। कुछ देर बाद हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली अनाउंस कर देती है। मतलब हार्दिक पांड्या की हो गई है घर वापसी। पर क्या हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखानी चाहिए थी या फिर मुंबई इंडियंस में उनका जाने का फैसला सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।